रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत को क्यों याद किया, बेसबॉल के नाम पर वो इंग्लैंड की टीम को चिढ़ाने क्यों लग गए, इसके अलावा उन्होंने ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर को बातों ही बातों में चेतावनी क्या दी थी, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पांच बड़ी बातों की पहली बात का, जहां पर रोहित शर्मा ने कहा विन डकेट ने शायद ऋषभ पंत को नहीं देखा है। ये क्यों कहा? दरअसल सवाल पूछा गया कि क्या यशस्वी जायसवाल विन डकेट से बेसबॉल सीख रहे हैं, उनसे बल्लेबाजी करना सीख रहे हैं। इस पर रोहित शर्मा ने कहा कि हमारी टीम में एक खिलाड़ी है जिसका नाम है ऋषभ पंत और शायद विन डकेट ने उसे खेलते हुए नहीं देखा है। मजेदार ये उनका जवाब था जो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये थी कि मुझे बेसबॉल नहीं पता है, उनसे सवाल पूछा गया बेसबॉल को लेकर, जिस पर उन्होंने बोला कि देखिए सीरियसली मैं नहीं जानता कि बेसबॉल क्या होता है। हाँ ये जरूर है कि इंग्लैंड की टीम ने पिछली बार से बेहतर क्रिकेट खेला है, लेकिन मुझे अभी भी सीरियसली नहीं पता कि बेसबॉल क्या होता है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो एक इंग्लैंड की टीम का वो जो मीम है मोई मोई वाला, वो वाला मामला हो गया, क्योंकि दुनिया बेसबॉल बेसबॉल कर रही है, रोहित शर्मा कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, तो ये भी उनका सवाल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी बात है वो है सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, तो वहाँ पर रोहित शर्मा ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अगर आप देखें तो सबसे महत्व हमें देना चाहिए। इसके अलावा जो इस बात कर लीजिए जो चौथी इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब तक किसी को मेडिकल निर्देश ना मिला, डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ा ही था कि अगर आपको मेडिकल निर्देश नहीं दिया गया है तो आपको खेलना पड़ेगा, वो सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए नहीं है, वो सभी खिलाड़ियों के लिए है। यानी कि साफ तौर पर ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर को लेकर चेतावनी मिली है, क्योंकि हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने गवाया, श्रेयस ने भी और ईशान ने भी। रीजन लगभग लगभग यही था, डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह ना देना। इसके अलावा इस पीसी की पांचवी जो बड़ी बात थी वो ये है कि वो एक एक्स्ट्रा सीमर के साथ जा सकते हैं। सवाल पूछा गया प्लेइंग 11 को लेकर, जिसमें रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि देखिए अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो कंडीशन है वैसा लग रहा है कि हम एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ जा सकते हैं, जिनमें से अगर आप देखें तो शायद मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और फिर इसके अलावा आकाशदीप वो हो सकते हैं। तो ये थी रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पांच बड़ी बातें। बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी लगी, रोहित शर्मा का सबसे मजेदार जवाब कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।